जैसा मैंने आपको कहा कि मैं आपको ना उम्र की सीमाओं की जर्नी पे लेके जा रही हूँ बिकॉज आवर शो इज वाइंडिंग अप. तो मैंने सबके इंटरव्यूज लिए हैं एंड व्हाट दे थिंक अबाउट द शो. तो आज है हमारी क्यूटी अम्बा की बारी. सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स सी व्हाट अम्बा हैज टू टॉक अबाउट. टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द शूट. बता तेरा देखो देखो आज लास्ट डे. तो बता तुझे कैसा लगा ना उम्र की सीमा और मतलब व्हाट इज अ स्पेशल मोमेंट, हाउ डू यू फील अबाउट द शो. सो मेरा बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है इस शो को लेकर, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई स्टार्टेड विद जीरो एक्सपेक्टेशंस कि पहली बार एक तो नेगेटिव कर रही थी, प्लस हमारी स्टारकास्ट बहुत अच्छी है. सो फॉर मी इट वॉज whatever we gained या whatever we received, whatever love we received was very unexpected. And किसी negative character को इतना प्यार मिलना भी एक बहुत अलग बात है, बहुत अजीब बात है. But एक चीज और, अम्बा की styling पे बड़े comments आते हैं. हाँ अम्बा nice मुस्कान खुश हो गई. So हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने एकदम zero expectation से शुरू किया and the bar really went up high. And I'm really glad that I did this show and I met such wonderful people. पहले हम लोग इतना शूट भी नहीं करते थे, लेकिन हम लोग जब रेगुलरली शूट करने लगे तो हमारी एक अलग बॉन्डिंग, अलग मस्ती और अलग चीज़ें एकदम, मतलब यू नो इट वॉज अ वेरी फैमिली वाइब वाली फीलिंग. भले ही मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ लेकिन मुझे But everybody loved you, like, you know, they used to miss you a lot. तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जब मैं तो ऐसे ही करना चाहूँ, जब लगता है दिस इज़ लाइक अ टीचिंग फॉर मी दैट यू ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो एक्सपेक्टेशंस एंड देन यू नो गो ग्रो हाई एंड डू वेल, तो और ज़्यादा मज़ा आता है. आपको कैसा लगा मेरे साथ काम करके? अम्मा के साथ मतलब मज़ा आते हैं, के साथ मैंने और घिस ले ये मेरा दूसरा रूप है दिख रहा है, बात करें तो मैं घिसल घिसल के लेके जा रही हूँ. स्नेहा के साथ मैंने पहली बार काम किया, मैंने कभी मैं मिली भी नहीं, बट फर्स्ट टाइम आई वर्क एंड आई डोंट नो वी जस्ट क्लिक्ड यू नो फ्रॉम द फर्स्ट डे. दो ऑन स्क्रीन सत्यवती स्नेहा को नफरत करती है लेकिन दीपशिका स्नेहा को बहुत प्यार करती है. वी कनेक्टेड, आई थिंक वी समवे वी आर द सेम पेज मेंटली एंड आई थॉट प्रोसेस इज सिमिलर. तो मैं ज़्यादा शूट करूँ या नहीं करूँ बट हमेशा उसकी याद आती है, लाइक कहाँ है, कैसी है, नो ऑल दिस थिंग. एंड मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन अगर इस शो में हमारी कास्ट में से मिला है, फिर से मिला है बहुत ज़्यादा. मतलब सीन भी अच्छा होता है तो वो फ़ोन करके मुझे बोलती कि तुमने बहुत अच्छा किया, मस्त किया, मज़ा आया. यू नो द बिगेस्ट अपलॉज जो इस शो से, शो की कास्ट में से अगर मुझे मिला है तो वो दीपिका मैडम. लोग अच्छा करती है और एक एक्टर के लिए बहुत मायने रखता है कि दूसरा एक्टर, स्पेशली एक लड़की की तारीफ करे, क्योंकि अगर अम्बा का कैरेक्टर इतना अच्छा हो नहीं करती तो शो आगे नहीं बढ़ता. तो वो बहुत एक थिन लाइन होती है कि वैम्पिश लगना और शी प्लेड दैट शी इज़ इन लव. आई वाज ऑलवेज इन अम्बा साइड कि शी इज़ इन लव विद दैट पर्सन एंड उसके लिए कुछ भी कर सकती. ठीक है वो पागलपन वाला प्यार है बट वो है, तो वो उसका कैरेक्टर था. तो मैं हमेशा शो देखती थी एंड ये पहला शो है जो मैं हर एपिसोड देखती थी. तो मैं उसको हमेशा फोन करती थी, यू आर लुकिंग गुड, यू डन वेरी गुड एंड आई थिंक एनी एक्टर शुड डू. आई ऑलवेज डू इट, इवन द स्ट्रेंजर, इफ आई डोंट नो द पर्सन, इफ आई सी द सीन इज गुड, मैं उसका नंबर ढूंढ के उसको मैसेज करूँगी. तो यू आई विल आई नॉट डू इट. एंड यस वी आर अ वेरी गुड बॉन्ड. एंड एनी स्पेशल मेमोरीज? स्पेशल मेमोरीज मतलब सबके साथ तो मेरा एक बहुत स्पेशल मेमोरी है, वो है वो सगाई टूटने वाला सीक्वेंस. आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट. हम लोग सब थे साथ में, मज़ा भी आया शूट करने में, मस्ती भी हुई और बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन भी था एंड इट वॉज लवली. आई थिंक दैट विल गो डाउन एज अ बिगेस्ट मेमोरी ऑफ द शो बिकॉज द सीन वॉज लवली.
एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल विधि देव उनका वो जो यू नो प्यार है लेकिन पता नहीं है और यहाँ पे अंबस फोर्सिंग देव एंड देन सत्यवती कम्स इन एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट अमेजिंग मोस्ट इमोशनल एज अ ह्यूमन बींग यू कैन रिलेट टू दोज सिचुएशंस. तो मुझे वो हमारा शो कितना अच्छा था. ह्यूमन वैल्यूज ह्यूमन इमोशंस को हम लोग मतलब ऐसे पेपर पे लाना वाज वेरी वेरी वेल रिटन शो वेरी एनहांस किया. और आज भी जब हमारा लास्ट फिनाले है तो अंबा का कैरेक्टर को भी एक कंप्लीशन दिया लाइक हर कैरेक्टर को शी इज देयर. जैसे हम लोग सगाई में सब साथ में थे तो आज फिनाले में भी हम सारा पूरा फैमिली एंड अंबा वाज देयर एंड इट वाज फन. यस नो डाउट दिस शो वाज ब्यूटीफुली रिटन. जैसे ये शो कटिंग जैसे ये शो अम्बा के लिए स्पेशल है मेरे लिए भी स्पेशल है क्योंकि इसने पहली बार नेगेटिव किया मैंने पहली बार पॉजिटिव किया एंड लोगों ने इतना प्यार दिया सत्यवती को एंड आई रियली थैंकफुल टू स्टार भारत एंड माय प्रोड्यूसर एंड माय ऑडियंस टू एक्सेप्ट मी लाइक सत्यवती. बिकॉज एक टाइपकास्ट हो जाता है ना कि नेगेटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कर सकती है लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव कभी नहीं कर सकती. सो एंड तक उनको था कि सत्यवती नेगेटिव होगी मैं नहीं नेगेटिव हुई मैं पूरा टाइम पॉजिटिव रही. हाँ एंड वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी आई मेड लवली फ्रेंड्स बट यू नो वॉट आई टेल अबाउट सत्यवती दैट शी वॉज वेरी ह्यूमन. मतलब ह्यूमन के इमोशंस में कैसे ग्राफ्स आते हैं ऊपर नीचे वैसे सत्यवती वॉज ऑलवेज जस्टिफाइड. अगर वो विधि को डांट भी रही है तो भी वो एज अ मदर एज अ सास या जो भी मतलब एक ह्यूमन इवैल्यूएशन वॉज एक्यूरेट सारे कैरेक्टर्स को वेरी वेरी नाइस एवरीबडी डिड इट एंड ये शो मेरे दिल के हमेशा एंड वी विल मिस यू गाइज एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. अब ये शो नहीं आप इनको तो ऑलरेडी देख ही रहे निर्जा में शी इज डूइंग सुपर एज पर वेरी नाइस एंड दैट वॉज आई कॉल लवली शो लवली दैट वॉज अ शो इज वेरी नाइस एंड एवरीबडी एक्टेड गुड. बस ऐसे शो बनने चाहिए ताकि सबको एंटरटेन मिले प्रोड्यूसर को भी फायदा हो एक्टर को भी हो सबको हो एंड यस आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू वर्क विद यू अगेन. यस श्योर श्योर वी विल डेफिनेटली कम एंड मीट वेयर एवर थिंग एंड वी विल मीट ऑफ या दैट टू विल हैव डेफिनेटली एक बॉन्ड जो बन गया वो नहीं खत्म होता. बट यस अम्बा एंड सत्यवती नहीं मिलेंगे. सो थैंक यू वेरी मच कीप वॉचिंग द चिकन कंट्रोल बोली दुनिया लाइक हेलो क्या सुन रहे थे हेलो हाय नमस्ते सुप्रिया कॉल गेम जो सो ना जैसे कीप वॉचिंग दिप्शी का पिक्चर बोली दुनिया लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड स्टे बोली. तो ये थी हमारी अम्बा स्नेहा बाग. वेरी स्वीट पर्सन वेरी हैप्पी पर्सन वेरी गुड सोल. बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करके. दो मैं उसके साथ पहली बार काम कर रही थी बट ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार कर रही हूँ. हम दोनों मिलते नहीं हैं रोज़ ना बात करते हैं ना मैसेज करते हैं बट हम दोनों को पता है कि हम दोनों के दिल में एक स्पेशल जगह है. लव यू एंड स्टे ब्लेस एंड कीप स्माइलिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट. बाय डार्लिंग.